आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश से शरद जी ने हमें संपर्क किया है और इनका सवाल आया है यस बैंक पर। 55,000 शेयर्स हैं इनके पास और 16 रुपए 95 पैसे पर इनकी खरीद है। इनफैक्ट ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। शरद जी, आवाज आ रही है आपको? ये जी यस भाई, वो बैंक काफी ज्यादा क्वांटिटी आपने ले ली है, नजरिया क्या है आपका? पहले ले लिए थे मैडम, जो है ना 167 रुपए से लेना चालू किए थे। हेलो, लेकिन जी, उस बीच अगर आपने देखा होगा, ईटीना स्वदेश को ही फॉलो किया होगा, तो हमारे एनालिस्ट उस वक्त निकलने की भी राय दे रहे थे, क्योंकि माना जा रहा था यस बैंक में एक तेजी काफी आ चुकी थी, तो बने रहना ठीक नहीं था। बहरहाल, क्वांटिटी आपने काफी ज्यादा ले ली, इस वजह से नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है आपको। सौरभ, आप सजेस्ट करिए यस बैंक में क्या करें। 16.95 पर इन्होंने लिया हुआ, अभी थोड़ा नीचे आ गया है स्टॉकिंग की खरीदारी से, बट क्या करें अब आगे के लिए, आउटलुक क्या बन रहा है आपका यस बैंक पर? देखिए, अगर बैंक के ओवरऑल बैंकिंग की बात की जाए तो ये सबसे बहुत अच्छा बैंक नहीं है, क्योंकि इनके रेशियोज अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से करेक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि जो बैंक में जो कंपटीशन है उससे येस बैंक लड़ पाएगा, क्योंकि अभी जितना भी बैंकिंग का बिजनेस है वो सिलेक्टिव बैंकों के पास ही जाने वाला है, क्योंकि जिनके कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे, जो कॉम्पिटिशन दे पाएंगे, जिनका आईटी के ऊपर बहुत स्पेंड है, वो मार्केट शेयर ज्यादा गेन करेंगे। और येस बैंक की बात करें तो इनके काफी सारे शेयर जो लॉकिंग में थे वो भी खुल गए हैं, तो बाजार को ऐसी भी आशंका है कि वो शायद थोड़ा उसमें भी सेलिंग आ सकती है। मुझे लगता है इन्होंने 55,000 शेयर तो जरूर लिए हैं, अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए के शेयर बनते हैं, और तकरीबन 1.5 से 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। अगर ये यहाँ पर बुक करना चाहें तो बैंकिंग स्पेस में ही बड़े विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक हैं उनमें अगर ये पैसे को शिफ्ट कर दें तो 1 साल में ये अपना लॉस भी शायद पूरा कर पाएंगे और शायद मुनाफा भी ले पाएंगे, तो मेरी सलाह यहाँ निकलने की रहेगी। ठीक है, येस बैंक निकलने की सलाह है, 15 रुपए के आसपास इसके भाव आ